हेलो क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट्स वेलकम टू द डाब हैंड लर्नर्स चैनल सो नाउ दिस इज़ द पार्ट फोर ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लेक्चर अब तक हमने सिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्यल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेज हमने मैनेजमेंट हमने कर लिए नाउ द सेवेंथ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है रेम्यूनिशन टू इम्प्लॉयज़ ओके या सैलरी टू इम्प्लॉयज़ वेजेस टू इम्प्लॉयज़ आप जो मर्जी कहना चाहते हो वो तो वॉट डज दिस प्रिंसिपल से ओवरऑल पे एंड कॉम्पन्सेशन शुड बी फेयर टू बोथ द इम्प्लॉयज़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन देखो जो हम जितना भी हम अपने सैलरीज दे रहे हैं अपने इम्प्लॉइज़ को पूरे साल का या पूरे महीने का वो फेयर होना चाहिए लाइक वो सही होना चाहिए बोथ दी employees एंड दी ऑर्गेनाइजेशन देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि employees ज़रा सा काम करके जा रहा है लेकिन उसका जो आउटपुट है उसे जो सैलरी मिल रही है वो ज़्यादा जा रही है ठीक है तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेयर है नहीं है ना क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का तो लॉस हो रहा है employee को ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है जबकि उसने उतनी मेहनत का, का काम किया ही नहीं तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन का लॉस है तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये फेयर चीज़ नहीं है एम्प्लॉयी के लिए ये फेयर चीज़ कब नहीं होगी जब एम्प्लॉय ने ज़्यादा काम किया बट उसे उतना आउटपुट नहीं मिल रहा लाइक like, जितना भी मार्केट में वेज रेट आ रखा है अगर हम उससे कम देंगे उसे तो इसका मतलब एम्प्लॉय के साथ फेयरनेस नहीं हो रही है ऑर्गेनाइजेशन उसका फ़ायदा उठा रही है सेकेंड पॉइंट द इम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस विच शुड बी गिवन देम एट लीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और एम्प्लॉयज़ को इतने वेजेस तो पे करने चाहिए इतने फेयर वेजेस तो पे करने ही चाहिए ताकि एम्प्लॉय एक रीज़नेबल स्टैंडर्ड ऑफ़ लिविंग यानी कि अपनी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके एटलीस्ट उसे थ्री टाइम का खाना मिल सके ठीक है ऐसा नहीं कि लाइक like, उसके जो उसे एटलीस्ट बेसिक एमिनिटीज़ जो है वो भी नहीं मिल रही है उस सैलरी से तो एटलीस्ट सैलरी तो इतनी इफ़ेक्टिव या फेयरनेस होनी चाहिए उस सैलरी में कि वो अपना ज़िंदगी गुजार ले उसमें या अगर महीने की सैलरी है तो उसका पूरा महीना गुजर जाए अच्छे से ऑल तो गुजर जाए इसका मतलब ये नहीं कि वो फालतू में चीज़ें खर्च करने लगेगा और उसके बाद लास्ट में बोलेगा कि मेरी ज़िंदगी में लाइक मैं अच्छे से बेसिक इम्यूनिटीज़ नहीं ले पा रहा हूँ अगर वो फ़ालतू की चीज़ों में ख़र्च करेगा तो ऑब्वियसली डैट वुड नॉट बी द रीज़न बट एक अच्छी ज़िंदगी प्रोवाइड करना ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है बिकॉज फिर एम्प्लॉ अच्छे से काम नहीं करेगा अगर वो खुश नहीं रहेगा तो लास्ट पॉइंट एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी ये भी देखा जाना चाहिए एम्प्लॉ के साथ साथ तुम तो, तो, कंपनी की भी औकात है कि उससे पे करना है कंपनी की हैसियत है कि वो उस एम्प्लॉय को पे कर सकती है इतनी अमाउंट ठीक है तो ये भी साथ साथ देखना होता है आ, क्योंकि हम हमेशा इंप्लॉय की नहीं सुन सकते ना ऑर्गेनाइजेशन का भी तो कुछ फर्ज़ बनता है वो भी तो पहले अपना देखेगी तभी तो सामने वाले को देगी क्योंकि एट लास्ट तो कंपनी को ही पे करना है उसका ही लॉस जा रहा है फॉर एग्जाम्पल इफ इन अ पर्टिकुलर ईयर द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अर्न मोर प्रॉफिट देन अपार्ट फ्रॉम गिविंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट टू शेयर होल्डर्स सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी गिवन टू एम्प्लॉयज़ ऑल्सो वो ये कह रहे हैं कि अगर एक पर्टिकुलर ईयर में ऑर्गेनाइजेशन ने इस साल ज़्यादा पैसे कमा लिए ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस और अदर ईयर्स ठीक है तो जो इस साल जो हमारे पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया है वो शेयर होल्डर्स को देने के अलावा लाइक फोर लाख का मेरे पास प्रॉफिट हुआ है फोर लाख ,00 का प्रॉफिट हुआ है जिसमें से मैंने टू लाख ,00 तो शेयर होल्डर्स को दे दिए तो अब जो ये टू लाख ,00 है ये मेरे पास अभी एक्स्ट्रा प्रॉफिट है तो इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को मैं क्या करूँगा इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को मैं अपने एम्प्लॉज़ को डिवाइड एम्प्लॉइज़ को दे दूँ या अपने एम्प्लॉज़ में डिवाइड कर दूँ क्योंकि इससे क्या होगा दिस विल इंक्रेज एंड मोटिवेट दैम टू पुट मोर एफर्ट्स टू पुट मोर एफर्ट्स ओके क्या होगा इससे वो इंक्रेज होंगे मोटिवेट होंगे और वो जितना एफर्ट दे सकते हैं उससे भी ज़्यादा एफ़र्ट देने का ट्राई करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का ही फ़ायदा है ठीक है अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या हैं पॉजिटिव इफेक्ट इसके ये हैं इट विल इंश्योर कंजीनियल एटमोसफेयर एंड गुड रिलेशन इसका मतलब क्या है कि अगर आप एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ा दोगे तो उससे क्या होगा कंजीनियल एटमॉस्फेयर यानी कि एक गुड एटमॉस्फेयर एक वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट होगा गुड रिलेशंस के साथ एम्प्लॉयज़ में इम्प्लॉयज़ का वर्कर्स के साथ और वर्कर्स का ओनर्स के साथ तो एक हार्मनी जो होती है ना वो मेंटेन होगी अगर आप सैलरी अच्छे से दोगे अपने एम्प्लॉयज़ को तो डिवोशन एंड कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ इम्प्रूवस कई बार क्या होता है कि लाइक सैलरी भी कम मिलती है काम भी इतना हेक्टिक होता है तो एम्प्लॉय भागने की कोशिश करते हैं और भागने की कोशिश को कैसे करते हैं लाइक like, कई कल आपको भी स्कूल जाना पसंद नहीं है कि क्या यार स्कूल में जाने में मज़ा ही नहीं आ रहा तो आप भी क्या करते हो कि कभी कभार ऑफ़ ले लेते हो हफ़्ते में एक ऑफ़ ले ली दो तीन हॉलीडेज़ ले ली खुद से ही ठीक है क्योंकि स्कूल में मज़ा नहीं आता लेकिन अगर आपको वही मज़ा आने लग जाए स्कूल में कोई अच्छा सा टीचर आ जाए चेंज हो के मज़े करवाता हो ठीक है या आपका फ्रेंड्स बदल जाए अब आप आपके पास और फनी फ्रेंड्स हो ठीक है आपको फ्रेंड्स के साथ रहने में मज़ा आता है तो उससे क्या होगा आपका स्कूल आने का मन करेगा डिवोशन और कमिटमेंट टूवर्ड स्कूल आपकी बढ़ जाएगी हालांकि स्कूल में पढ़ाई होती है उसके लिए तो कोई कमिटमेंट नहीं है बट इन सारी चीज़ों के लिए तो कमिटमेंट बढ़ जाएगी है ना तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में अगर तुम अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखोगे उन्हें बेनिफिट दोगे तो उनकी भी कमिटमेंट बढ़ जाएगी ठीक है वो भी ऑफिस आना पसंद करेंगे कंसिक्वेंस ऑफ वायलेशन इंक्रीज इन टर्न ओवर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ये वर्ड बिजनेस में आपको बहुत मिलेगा इम्प्लॉयी टर्न ओवर तो इम्प्लॉयी टर्न ओवर की मैं एक डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ ठीक है इसका सिंपली मतलब है इम्प्लॉय का भाग जाना एम्प्लॉय का भाग जाना ओके okay? जब एम्प्लॉय काम छोड़ के भाग जाते हैं रेजिग्नेशन दे देते हैं सारे एम्प्लॉय सारे नहीं तो मैक्सिमम ऑफ देम तो इससे इसे कहते हैं एम्प्लॉय टर्न ओवर ठीक है इट और डिससेटिसफैक्शन अमंग एम्प्लॉयज़ ये पॉइंट रिलेटेड ही है वैसे तो कि अगर एम्प्लॉयज़ में डिसटिस्फैक्शन होंगी वो अपने में ही इनफॉर्मल बातें करेंगे यार तेरा छोड़ने का मन नहीं कर रहा ऑर्गेनाइजेशन मेरा भी कर रहा है मज़ा ही नहीं आ रहा यार यार बहुत सीन uh, है ऐसे करके लोग कम्युनिकेशन करते हैं है ना तो इससे क्या होगा प्रिंसिपल वायलेट होगा एम्प्लॉयज़ भाग जाएंगे आई होप दिस प्रिंसिपल इज़ क्लियर टू यू कोई डाउट हो तो यू कैन फ्रीली आस्क इन द कमेंट सेक्शन एर्थ प्रिंसिपल इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसट्रलाइजेशन ये बहुत छोटा सा प्रिंसिपल एंड ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी है क्योंकि आप अगर आपने टेंथ में सोशल साइंस पढ़ी हो तो आपका एक सब्जेक्ट होता था पॉलिटिकल साइंस सिविक्स जिसे कई लोग कहते हैं उसमें आपने ये भी पढ़ा होगा क्या कहते हैं हाई uh, अथॉरिटी फिर मिडल अथॉरिटी लो अथॉरिटी मेरे को ऐसे याद नहीं है बट कि फर्स्ट लेवल पे आपकी होती है कोई सिटीज़ में जैसे होती है ना म्यूनिसपल कॉपोरेशन वो देन टाउन्स और डिस्ट्रिक्ट में आपकी होती है म्यूनिसिपल कमेटी एंड देन लास्ट लेवल पे होती है वो पंचायती राज या पंचायत जो होती है वो जो विलेज में होती हैं है ना तो ऐसे करके लेवल ऑफ अथॉरिटी या जो भी थ्री लेवल ऑफ टायर्स हैं मैं पहले ही कह रहा हूँ आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कि ऐसा ना हो आई एम पासिंग द इनकरेक्ट नॉलेज बट मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कि थ्री टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वैसे ही मैनेजमेंट में भी ऐसे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन होता है अब उस एग्ज़ाम्पल से मैं कैसे रिलेट करूँगा यहाँ पे देखो जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल कमेटी का अगर देखो वो दोनों अपने आप में ही काम कर रहे होते ठीक है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या है सिटी की तो एज्यूम करते हैं कि वो अपनी सिटी का तो ध्यान रख रही है आसपास में जितने भी टाउन्स और विलेजेस हैं वो उसका भी काम कर रही है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ठीक है बट कुछ टाइम के बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बहुत प्रेशर फील हुआ तो उसने एक और नई अथॉरिटी क्रिएट कर दी म्यूनिसपल कम्युनिटी ठीक है जो टाउन्स का संभालेगी तो अब क्या है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपना सिटी का ही देखती है और जो म्यूनिसपल कमेटी है वो टाउन्स और विलेजेस दोनों का देख देती है देखती है मतलब कि क्या चल रही है चीज़ें सही चल रही है अच्छे से चल रही है तो ये क्या हुआ पहले से म्यूनिसपल कॉरपोरेशन सब संभालती थी ठीक है और उसके बाद जब अथॉरिटी डेलीगेट हुई यानी कि अथॉरिटी डिवाइड हुई एक नई कमेटी फॉर्म हुई तो म्यूनिसपल कमेटी आई और वो टाउन्स और विलेजेस दोनों का देखती थी तो ये एग्ज़ाम्पल है और ये सिटीज़ का देखती थी और तो ये एग्ज़ाम्पल है सेंट्रलाइजेशन का ठीक है अब डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा ये जो टाउन्स और विलेजेस ये दोनों संभाल रही है ना ये भी अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर देगी ठीक है क्या किस में पंचायत में जो विलेजेस का ख़ुद देखेंगी पंचायत भी एक अथॉरिटी ही होती है जो उसे विलेजेस का ध्यान रखती है विलेजेस के डिसीजन लेती है ठीक है तो ये हो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन जनरल टर्म्स में कुछ नहीं है इसका सिंपल मतलब ये है देखो आ, मैं बताता हूँ एक सेकेंड इसका सिंपल मतलब ये है लाइन पढ़ो वो क्या कह रहा है वो लाइन ये कह रहा है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ कॉल सेंट्रलाइजेशन जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जिसके पास है वो है सेंट्रलाइजेशन जैसे कि म्यूनिसपल कॉरपोरेशन ठीक है एंड इट्स डिस डिस्पर्जल अमंग मोर देन वन पर्सन इज़ नोन एज डिसन तो इसका ये मतलब है जब तक म्यूनिसपल कॉरपोरेशन के हाथ में सारी पावर थी सिटी की विलेज़स की टाउन्स की तब तक वो था सेंट्रलाइजेशन लेकिन उसके बाद जब उसने डिस्पर्जल कर दिया डिवीजन कर दिया अपनी पावर्स का अपनी अथॉरिटी का किस में म्यूनिसिपल कमेटी में फॉर दी टाउन्स और पंचायत में फॉर द वलेज तो ये जो उसने डिवीज़न किया ना अपनी अथॉरिटी और पार्स का ठीक है तो इसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन जब तक तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अकेली सब कुछ चला रही थी तो वो हो गया सेंट्रलाइजेशन और जब उसने डिस्पर्जल कर लिया अपनी अथॉरिटी की वैसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इसका एक और मतलब है जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया को देखती है तो अगर वो ही पूरे इंडिया को देख रही होती और कोई गवर्नमेंट नहीं होती तो वो होता सेंट्रलाइजेशन बट अब हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट ठीक है तो इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन देर बट देयर इज़ अ नीड टू बैलेंस सब ऑर्डिनेट इन्वॉलमेंट थ्रू डी विद मैनेजर्स रिटेंशन ऑफ फाइनल अथॉरिटी थ्रू सेंट्रलाइजेशन अब एक बात बताओ आप कितना भी सोच लो कि आपने अपनी पावर्स जो हैं वो अपने छोटे यानी कि सब को दे दी कि आप चाहते हो कि आपके सब भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो वो भी अपना इनिशिएटिव दे ठीक है बट इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने उन्हें इनिशिएटिव दे दिया हो तो वो आपके सर पे चढ़ जाए है ना आप ये आपने तो इसके लिए किया था कि आप अपने सब ऑर्डिनेट को देखना चाहते हो कि वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो बट वो आपसे बदतमीजी कर रहे हैं उसके नाम पे आपको कुछ इज्जत नहीं दे रहे तो आप ये थोड़ी चाहते हो तो इसका मतलब ये है कि आप अगर सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए किस में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन है मतलब सब का इन्वॉलमेंट तो होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में बट जो मैनेजर्स का डिसीजन है विद फाइनल अथॉरिटी कि उन्हें ही डिसाइड करना है एट लास्ट क्या होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या नहीं वो उन्हीं के पास रहेगी थ्रू सेंट्रलाइजेशन ऐसा नहीं होना चाहिए तुमने अपने सब को पार दे दी तो वो अगले दिन अपनी कंपनी के हिसाब मतलब कंपनी उनके नाम पे ऐसे बिहेव कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट के फैसले खुद ही ले रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल भाड़ में जाए हम तो अपने डिपार्टमेंट को अच्छा करेंगे ऐसा नहीं होता ठीक है तो एक बैलेंस होना ज़रूरी है तो ये था सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। लास्ट है स्केलर चेन एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स। द फॉर्मल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाइएस्ट टू लोएस्ट रैंक्स आर ऑल्सो नोन एज स्केलर चेन तो स्केलर चेन में सुपीरियर सबॉर्डिनेट दोनों होते हैं और एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है कि कौन किसे कम्युनिकेट करेगा ठीक है फ्रॉम हाइएस्ट रैंक टू लोअर रैंक और इसे क्या कहते हैं स्केलर चेन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन डेट रन फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड शुड बी फॉलोड बाई मैनेजर्स एंड द सबऑर्डिनेट तो ऑर्गेनाइजेशन की एक चेन ऑफ अथॉरिटी है कम्युनिकेशन है जो टॉप टू बॉटम रन करता है एंड शुड बी फॉलोड बाई मैनेजर्स एंड द सबॉर्डिनेट वो ये कह रहे हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चेन है अथॉरिटी की लाइक फर्स्ट रैंक पर जो बैठा है वो अपनी सेकेंड रैंक वाले से ही अपनी पावर्स को शेयर करेगा पावर्स को डिविजन करेगा वो उसे ही ऑर्डर देगा उसी के साथ ही कम्युनिकेशन करेगा सेकेंड वाला थर्ड को थर्ड वाला फोर्थ को तो ऐसे ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट हो जाएगी और ये जो हमारा सिस्टम है ये मैनेजर्स को भी फॉलो करना सब ऑर्डिनेट को भी ऐसा नहीं कि वो चल उस डिपार्टमेंट में तो मेरा दोस्त है तो उस तक तो पता नहीं कब बात पहुंचेगी मैं ही बता देता हूं व्हाट्सएप करके ऐसे नहीं होता ठीक है एक प्रोसीजर होता है उसे ही फॉलो करना हो एग्जाम्पल ये देखो जैसे कि ए है टॉप लेवल पे है। अब इसका एग्जाम्पल ये देखो लाइक डी को कोई बात ए तक पहुंचानी थी ठीक है तो अब उसने क्या किया डी को अगर कोई आइडिया आया तो उसने सबसे पहले सी को बताया ठीक है फिर सी ने आगे बी को बताया क्योंकि लाइक अगर मैं सबसे सब ऑर्डिनेटूँ मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ ठीक है मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का वर्कर हूँ तो मैं क्या करूँगा पहले अपने प्रोडक्शन मैनेजर को बताऊँगा फिर वो प्रोडक्शन मैनेजर आगे टॉप लेवल मैनेजमेंट तक बात पहुँचाएगा है ना ऐसे ही तो अब ये मान लो ये डी है ये मैं हूँ एक वर्कर अब डी जो है वो अपने सुपीरियर को बताएगा सी को सी अपने सुपीरियर को बताएगा बी को बी अपने सुपीरियर यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ए को बताएगा ठीक है ए को वो आइडिया पसंद आ गया तो अब इन लोगों तक तो बात पहुंच चुकी है अब जो दूसरे डिपार्टमेंट है उसको कम्युनिकेट करेगा ए ने बताया एल को एल ने बताया एम को एम ने बताया एन को ठीक है तो ये इस तरह से पूरा एक स्केलर चेन फॉर्म हो गया सब तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी अब एक और चीज़ है इसमें गैंग प्लैंक इज़ अ शॉर्टर रूट एंड हैज़ बीन प्रोवाइडेड सो डैट कम्युनिकेशन इज़ नॉट डिलेड इन एन एमरजेंसी सपोज करते हैं कि एमरजेंसी है ठीक है अब एमरजेंसी में क्या होता है लाइक एमरजेंसी में अगर तुमने स्केलर चेन फॉलो करी ना तो तुम तुम्हारा इतना बड़ा ऑर्डर भी हाथ से जा सकता है इतनी बड़ी डील हाथ से जा सकती है सपोज करते हैं तो अब वो जो डील है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग है और जो सी है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है एग्जाम्पल है सी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है और जो एम है वो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अब जो डील है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग है कि अगर उसने ये कर दिया तो शायद हमारा जिसके साथ हमने डील करी है डीलर वो बुरा मान जाए और डील कैंसिल कर दे ठीक है तो ये जल्द से जल्द करना होगा अब स्केलर चेन फॉलो करने बैठेंगे तो डील हाथ से गई तो इस केस में क्या करते हैं सी जो है डायरेक्टली एम से कम्युनिकेट कर सकता है ताकि बात वहीं के वहीं ख़त्म हो जाए ठीक है आगे बात ना बढ़े क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो जाएगा तो वो यही कह रहे हैं कि एक शॉर्टर रूट होता है जो सिर्फ एमरजेंसी में ही यूज़ होता है ठीक है और एमरजेंसी एमरजेंसी होती है एमरजेंसी हमेशा बहाना बना के कभी भी कैंक प्लैंक नहीं कर सकते हमेशा तो स्केलर चेन ही फॉलो होगी ये सिर्फ स्पेशल सरकमस्टांसिस स्पेशल भी एमरजेंसी में ही होता है ठीक है तो ये उन्हीं केसेस में यूज़ होगा पॉजिटिव इफेक्ट्स सिस्टमैटिक फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टमैटिक फ्लो करेगी नो कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ फ्लो चलेगा उसमें और तो, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा तो आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर और आपको ये तीनों प्रिंसिपल समझ आ गए होंगे सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इफ यू लाइक माई लेक्चर प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल हिट द बेल आइकन्स यू विल गेट नोटिफाइड एवरी टाइम वन आई अपलोड द लेक्चर्स ऑन youtube Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.